नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे टेलीफोनिक कम्युनिकेशन से रिलेटेड 5 इंग्लिश सेंटेंसेस के बारे में जिनकी ज़रूरत आपको बिजनेस कम्युनिकेशन के दौरान पड़ सकती है। दोस्तों, इन 5 इंपॉर्टेंट इंग्लिश सेंटेंसेस की जानकारी होने से आपको पहले से पता होगा आपको उस सिचुएशन में इंग्लिश में क्या बोलना है। तो आइए बिना वक्त बर्बाद किए हुए इंग्लिश सेंटेंसेस पर फोकस करते हैं। सेंटेंस नंबर 1, आप एक कंपनी के लैंडलाइन नंबर पर बिजनेस से रिलेटेड कोल्ड कॉल करते हैं और आपको एग्जैक्टली पता नहीं है कि ये कंपनी के हेड ऑफिस का नंबर है भी या नहीं। तो ये कंफर्म करने के लिए आप कंपनी के रिसेप्शनिस्ट से इंग्लिश में क्या कहेंगे? आप कह सकते हैं, गुड मॉर्निंग मैम, इज इट नंबर ऑफ XYZ कंपनीज हेड ऑफिस, या फिर गुड मॉर्निंग मैम, इज इट XYZ कंपनीज हेड ऑफिस। इसका हिंदी में अर्थ है, गुड मॉर्निंग मैम, क्या ये XYZ कंपनी के हेड ऑफिस का नंबर है या क्या ये XYZ कंपनी का हेड ऑफिस है। याद रखिए, एक प्रॉपर टेलीफोनिक कॉल करने के लिए जरूरी है कि आप शुरू में एक कंफर्म जरूर करें कि आप सही पते पर कॉल कर रहे हैं या नहीं, उसी के बाद अपनी कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाएं। सेंटेंस नंबर 2, रिसेप्शनिस्ट आपको कंफर्म कर देती है कि आप सही जगह पर कॉल कर रहे हैं। अब आपको कंपनी के मार्केटिंग डिपार्टमेंट के हेड से बिजनेस के रिगार्डिंग बात करनी है, तो इसके लिए आप अपनी कॉल को मार्केटिंग डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कराने के लिए या कनेक्ट कराने के लिए कंपनी के रिसेप्शनिस्ट को इंग्लिश में क्या कहेंगे? आप कह सकते हैं, गुड मॉर्निंग मैम, माय नेम इज देवर्षि मिश्रा एंड आई एम कॉलिंग फ्रॉम देवर्षि मिश्रा ट्रेनिंग चैनल, प्लीज पुट मी थ्रू टू योर मार्केटिंग डिपार्टमेंट। इसका अर्थ है, मेरा नाम देवर्षि मिश्रा है और मैं देवर्षि मिश्रा ट्रेनिंग चैनल से बात कर रहा हूँ, कृपया मेरी कॉल को मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कनेक्ट कीजिए या मेरी बात मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कराइए। दोस्तों, ये बहुत ही कॉन्फिडेंट तरीका है। कई बार इस तरीके को यूज करने से रिसेप्शनिस्ट डायरेक्टली आपका कॉल कंसर्न डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इसको यूज करें, लेकिन इसके लिए आत्मविश्वास से बात करना बेहद इंपॉर्टेंट है। सेंटेंस नंबर 3, अब हो सकता है रिसेप्शनिस्ट आपकी कॉल आगे फॉरवर्ड ना करे या मार्केटिंग डिपार्टमेंट का व्यक्ति बिजी होने के कारण आपसे बात ना करे या आपसे इसलिए बात ना करे क्योंकि आप उसके लिए अननोन है या आपके पास अपॉइंटमेंट नहीं है। तो इस सिचुएशन में आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट के कंसर्न पर्सन का ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर मांगने के लिए कंपनी के रिसेप्शनिस्ट को इंग्लिश में क्या कहेंगे? आप कह सकते हैं, मैम, could you share the email ID and contact details of the concerned person from the marketing department so that I can share my company's proposal and fix up an appointment for meeting? इसका अर्थ है, मैम, क्या आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट के कंसर्न पर्सन का ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट डिटेल मेरे साथ शेयर कर सकते हैं जिससे मैं अपनी कंपनी का प्रपोजल उन्हें मेल कर सकूं और मीटिंग के लिए अपॉइंटमेंट ले सकूं? दोस्तों, एक बहुत सही तरीका है जिसके थ्रू आपको कॉन्टैक्ट डिटेल भी मिल सकता है और शायद रिसेप्शनिस्ट आपको कंपनी के कंसर्न पर्सन का ईमेल आईडी भी शेयर कर दे। सेंटेंस नंबर 4, रिसेप्शनिस्ट आपकी रिक्वेस्ट को सुनकर और आपकी बातचीत से प्रभावित होकर आपसे कॉन्टैक्ट डिटेल तो नहीं शेयर करती है लेकिन कंसर्न पर्सन का ईमेल आईडी शेयर करती है। वो ईमेल आईडी बहुत जल्दी में बोलती है जिसकी स्पेलिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट है, जो आपको समझ में नहीं आती है, तो वो स्पेलिंग यानी ईमेल आईडी दोबारा से पूछने के लिए आप रिसेप्शनिस्ट से इंग्लिश में क्या कहेंगे? आप कह सकते हैं, आई एम सॉरी मैम, कुड यू स्पेल द ईमेल आईडी फॉर मी? इसका अर्थ है, आई एम सॉरी मैम, क्या आप ईमेल आईडी को मेरे लिए स्पेल कर सकते हैं, मतलब दोबारा से दोहरा सकते हैं? याद रखिए, ये बहुत ही आम सिचुएशन है जो कई बार आपको फेस करनी पड़ती है। गलत ईमेल आईडी लिखने से बेहतर है पूछ लें, ईमेल आईडी को स्पेल करा लें जिससे आपके पास करेक्ट ईमेल आईडी नोट हो पाए। सेंटेंस नंबर 5, अब आपने ईमेल आईडी नोट कर ली है लेकिन आप रीकन्फर्म करना चाहते हैं कि क्या आपने सही ईमेल आईडी नोट की है या नहीं, तो इस सिचुएशन में आप कंपनी के रिसेप्शनिस्ट से इंग्लिश में क्या कहेंगे? इसके लिए आप कह सकते हैं, मैम, प्लीज लेट मी रिपीट द ईमेल आईडी जस्ट टू कन्फर्म। इसका अर्थ है, मैम, ईमेल आईडी कन्फर्म करने के लिए कृपया करके मुझे ईमेल आईडी दोबारा से दोहराने दे। याद रखिए, गलत ईमेल आईडी अगर आपके पास रहेगी तो आपका प्रपोजल भी नहीं पहुंचेगा और कम्युनिकेशन आगे भी नहीं बढ़ेगी। इसके लिए सही तरीका ये है कि रीकन्फर्म कर लें कि आपने सही ईमेल आईडी नोट की है या नहीं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप इन इंग्लिश सेंटेंसेस का यूज़ बिजनेस कम्युनिकेशन में कर सकते हैं। टेलीफोनिक इंटरव्यू कम्युनिकेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक मैंने वीडियो के अंत में दे रखे हैं, आप उन पर क्लिक करके वो वीडियोस भी देख सकते हैं और सीख सकते हैं। वीडियो अंत तक देखने के लिए और आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।